अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे हैं आप लोग, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं एक लेके आई हूँ ट्रिक। मैंने यहाँ मटन के पाए लिए हैं, मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ तो आपके साथ ये इसकी ट्रिक शेयर करूँ। तो देखिए, मैंने इसे मुझे इसे छीलना है। देखिए इस तरह के मटन के पाए हैं, तो मुझे इसे छीलना है। तो आप इस तरह से छील रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप उसको देखना कैसे मैं इसे बनाऊंगी। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और अभी बकरा ईद भी आने वाला है, इसलिए मैं आपको ये छीलना बहुत टफ काम है। ये मटन के पाए छीलना बहुत ही टफ है, तो मैं आपको ये छील के दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से हम छील सकते हैं। और आप इसे छील के आराम से बना सकते हैं, मार्केट से भी अच्छा आपको ये छीला हुआ मिलेगा। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। तो चलिए आइए, आपको इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो देखिए, मैंने एक चाकू लिया है और मैंने यहाँ एक पेपर रखा है अपने स्लैब पे, और मैंने ये मटन के जो पाए हैं मैं इसे किस तरह से छीलती हूँ आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, इसे हमें आग पे रखना है गैस पर। तो इसे देखिए, इसे इतना आपको जलाना है, इसका सारा हेयर यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका जो बाल है इसका, ये एकदम काला हो जाए, ब्लैक हो जाए, इसे इतना देर आपको जलाना है। देखिए इस तरह से मैं इसे थोड़ा देर देखिए, इस तरह से मेरे ये बाल ये जो हैं मटन के वो ब्लैक हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम लो करूंगी और इसे छीलना आपको बताऊंगी। देखिए कितने साफ छील रहे हैं ये। अब मैं दोबारा इसे आग पे रखूंगी, जहां पे बाल है हमारे वहां पर हमें आग दिखाना है, सब तरफ हमें नहीं डालना है, नहीं तो हमारी ये जो स्किन है ये खराब हो जाएगी, मटन की जल जाएगी। ये आपको थोड़े मेहनत तो लगेगी छीलने में, तो मेहनत के बिना कोई काम भी आजकल नहीं होता है। आपको थोड़ा मेहनत तो लगेगी, लेकिन आप इससे अपने घर में हाइजीनिक तरीके से छील करके आप बना के खा सकती हैं। बाजार या मार्केट वाले जो छील के हमें देते हैं उसमें बाल ही लगे रहते हैं, वो खाने लायक नहीं रहता है। इसमें थोड़ा आपको मेहनत लगेगी, लेकिन फिर आप इसे बना के खाएंगी तो आप बताएंगी कितने आपको अच्छे लगे बने हुए। तो देखिए इस साइड के मैं हमारे छिल चुके हैं अच्छे से, अब मैं इस साइड से आग पर डालूंगी। देखिए इसे मूव करते रहना है हाथ से। देखिए आपको इसी एक पोजीशन में नहीं रखना है, इसे घुमाते रहना है ताकि आग हमारे पाए में पूरी तरह से लग पाए। चलिए मैं छीलती हूँ। देखिए कितने आसानी से इसके बाल निकल जा रहे हैं। अगर आप ये ट्रिक सीख गई बनाना, तो आप हमेशा विंटर सीजन में बना के ये पाए खा सकती हैं। देखिए यहाँ पर जो नाखून होते हैं गोट के,
देखिए मटन के वो मैंने ऐसे निकाला, ये देखिए वो ये नाखून है देखिए। आपको इसके लिए छुरी को चाकू को तेज रखना होगा, आपकी नाइफ जब तेज रहेगी तो आप इसे आराम से छील सकती हैं। तो चलिए मैं फिर इस पे गैस स्टोव पे लाई हूँ। अब यहाँ जो हमारे ये मटन के जो नाखून हैं, ये पाए में जो नाखून लग रहे थे, वो मुझे थोड़ा देर तक इसको आग पे लगाना है ताकि काफी हार्ड होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा देर हमें इसे आग पे रखना है ताकि ये निकलते नहीं जल्दी। तो थोड़ा देर हम इसे रखेंगे फिर हम इसे निकालेंगे। देखिए इस तरह से आपको एक नाइफ लेना होगा नोक वाली, इसको इस तरह से अंदर डालना होगा। देखिए देख रहे हैं इस तरह से आपको डालना है अंदर, इसको इस तरह से निकालना है। देखिए देखिए कितना आसानी से ये निकल गए। देखिए इसे आप आग पर थोड़ा ज्यादा देर दिखाएं, देखिए हमें थोड़ा और जरूरत है इसको दिखाने की आग पर, ये हार्ड है काफी और चपके हुए एकदम निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए इसे मैं आग पर दिखा रही हूं ताकि इसके खुर जो है, जिसे खुर बोलते हैं हम, वो अच्छे से निकल जाए, ये नाखून जो होते हैं देखिए कैसे निकल रहे हैं। अब ये नाइफ को हमको ये दोनों नाखून के बीच में डालना है, देखिए इसमें बाल है, देखिए इसको ऐसे डाल के इस तरह से निकालना है, पीछे की तरफ चाकू ले जाना है। अब यहां सीध में रख के इसको ऐसे ले जाना है, देखिए देखिए मेरे साफ हो गए सब, एक भी बाल नजर नहीं आ रहे हैं, देखिए देखिए यहां बीच में एक बाल भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार मैं फाइनली इसको फिर आग पर डालूंगी ताकि जो भी हैं वो निकल जाए बाल हमारे। देखिए हमारी पाए कितने साफ छीले हैं, मार्केट से भी अच्छे। अब आप सब तरफ से इसे घुमा घुमा के थोड़ा देर आग पर दिखाएं, अगर आपको हाथ में जलने का डर है तो आप एक चिमटा रख लें, चिमटे से आप इसे पाए को पकड़ सकती हैं। इस ट्रिक से अगर आप छीलेंगी तो आप पूरा विंटर सीजन एंजॉय कर सकती हैं मटन के पाए, और खा सकती हैं, अपने घर वालों को खिला सकती हैं। इससे आपके बदन में काफ़ी गर्मी मिलेगी, विंटर में ये बहुत ही अच्छा होता हमारे लिए। अभी मॉनसून है तो मैंने सोचा बनाया जाए, तो मैं बना रही हूँ, तो आपको सोचा कि इसकी रेसिपी भी दे दूँ। तो देखिए मैं किस तरह से छील रही हूँ, आप ये ज़रूर देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना। तो देखिए फाइनली हमारी ये पाए अच्छे से
छिल चुके हैं। देखिए एक भी इसमें बाल नजर नहीं आएगा। अब मैं इसे आपको दूसरे पैर भी छील के दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मैं इसे गर्म पानी में डाल के साफ करूंगी। तो देखिए मैंने ये पूरे पैर अच्छे से छील चुके हैं मेरे। अब मैं आपको दूसरा वाला पैर भी छील के दिखाती हूँ। तो मैंने इसे भी आग पे रखा है। इसे भी हमें पूरा नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है पूरा ब्लैक कर देना है। इसे घुमाते रहें, एक पोजीशन में नहीं रखना है आपको। थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा घुमा के आपको इसको इसके बाल को जलाना है आपको। तो देखिए बाल हमारे जल चुके हैं अच्छे से। मैं आपसे छील के दिखाती हूँ। हमें और आग पे दिखाना है इसको। तो हो चुके हैं, चलिए मैं छीलती हूँ। पैर छीले छीलते टाइम अगर आपके हाथ गर्म लगे आपको तो आपको एक कपड़े से इसे पकड़ सकती हैं। पैर को इस तरह से पकड़ के आप इसे छील सकती हैं। तो देखिए कितने साफ से छीले हैं। एक बार और मैं आपके दिखाऊंगी। देखिए एक भी बाल यहाँ पर नहीं है हमारे, सिर्फ स्किन नजर आ रही है, एक भी नहीं है बाल। देखिए एक भी हेयर में आपको नजर नहीं आएंगे। देखिए सब छिल चुके हैं। अब मैं इस साइड का जो है, देखिए इस साइड का जो बाल है वो मैं छीलूंगी, ये दिखाऊंगी छील। देखिए इसे आग पे इस तरह से दिखाना। देखिए इसे भी एकदम ब्लैक करना है हमें बाल को। अगर बाल हमारे कम जलेंगे तो अच्छे से नहीं छीलेंगे, इसीलिए आप इसे थोड़ा ब्लैक कीजिएगा। ज्यादा नहीं करना है ब्लैक, नहीं तो चपक जाएंगे बाल आपके स्किन में। ये भी एक ट्रिक है, तो आप इसे थोड़ा ही देर करना है, ज्यादा नहीं। देखिए हो चुके हैं हमारे, स्लो कर दिया मैंने फ्लेम। थोड़ा देर और मुझे रखना है।
नाइफ आपकी एकदम शार्प होनी चाहिए, नहीं तो फिर नहीं छील पाएंगे। अगर आपके हाथ जले तो आप कपड़ा डाल सकते हैं, यहाँ पे कपड़ा से पकड़ सकते हैं। देखिए सब हमारे निकल चुके हैं बाल, देखिए सारे बाल हमारे निकल चुके हैं, यहाँ पर के कुछ भी बाल नहीं है। अब मैं फिर इसे आग पे दिखाऊंगी, इसका ये निकालना है नाखून। देखिए इस ये दो जो पोर्शन है इसको इस तरह से आप बीच में चाकू डाल के इसको दिखाना है, ऐसे हाथ बचा के आप छीलना। तो देखिए मैंने इसे दोबारा आग पर दिखाया था, अब इसका वो नाखून मैं निकालूंगी। ये बहुत गर्म होते हैं, इसे हाथ से आप डायरेक्ट नहीं छूना, इसे चाकू ही से निकालना। देखिए नाखून निकले। एक बार मैं फिर इसे आग पर दिखाऊंगी। ये बीच में देखिए हमारे बाल रहते हैं, यहाँ बीच में हमारे बाल रहते हैं अंदर में, इसे हमें आग पर से इस तरह से दिखाना है उल्टा करके, इस तरह से चाकू को बीच में डाल के। अब ये बीच में चाकू हमें डालना है, देखिए ये बीच में चाकू हमें डालना है, इसको इस तरह से छीलना। यहां पर के तो बाल साफ करना आसान है, लेकिन यहां अंदर में जो अगर बाल छूट जाए, अगर कोई खाने बैठे अगर बाल दिख जाए तो कितना ही खराब लगता है। तो ये आप सही तरीके से इसको छोड़ाएंगे, ये बाल जो अंदर के जो होते हैं, यहाँ देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर बाल जो है, यहाँ बाल जो दिख रहे हैं। तो मैं फिर आग पे डालूंगी। आप छीलते छीलते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, आप जरूर इसे ट्राई करना। मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं तो एक घंटे में छील लेती हूँ 10-12 गोड़ी मैं छील लेती हूँ। मैंने सोचा मेरी बहनों को भी बताया जाए कि वो भी बनाए और इससे लुत्फ अंदोज हों, क्योंकि जाड़े में निहारी का मजा ही कुछ और होता है। आबी रोटी के साथ हम निहारी खाते हैं तो कितने हमें अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्टी। थोड़ी सी मेहनत अगर कर ली जाए तो हमें अच्छा घर का बना हुआ मटन पाया मिलेगा। तो देखिए ये काफी गर्म है, तो देखिए यहाँ बाल सब निकल चुके हैं। देखिए यहाँ इसके बाल हमारे
निकल चुके हैं, थोड़ा बचे हुए हैं तो मैं इसे निकाल देती हूँ। तो देखिए हमारे मटन पाए अच्छे से छिल चुके हैं। देखिए अब इसमें जरा भी बाल नहीं है, अच्छे से सब छिल चुके हैं। देखिए थोड़ा सा मैं इसे दिखाऊंगी आग पे। देखिए हमारी ये मटन के पाए छिल चुके हैं, घोड़ी जिसे हम बोलते हैं, इसे हम घोड़ी भी बोलते हैं। तो चलिए हमारे छिल चुके हैं, देखिए मैंने छिल लिया दोनों। देखिए अब मैं इसे गर्म पानी में धोऊंगी, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए मैंने इसे अच्छे से छील लिया था आग पे, अब मैं इसे गर्म पानी मैंने इसे डाला है। देखिए इस तरह से 2 मिनट हमें इसे गर्म पानी में रखना है। तो 2 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे और छील लेंगे। इस तरह से हमें साफ कर लेना है, पानी में फिर डिप करना है हमें इसे, फिर निकालना है, फिर साफ करना है, फिर डिप करना है। इसी प्रोसेस से आप करें। देखिए पानी आपको ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म करना है आपको पानी, सुसुम पानी रखना है आपको। ज्यादा आप पानी गर्म करेंगे तो इसका जो जूस होता है हमारे पाए का, वो सारा इस पानी में चलाएगा। इतना आप पानी गर्म करें जिससे आपका हाथ सहज है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने ये छुरा है कितनी साफ है ये और एकदम क्लीन। देखिए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, अंदर में देखिए इसके बाल भी नहीं है जरा भी। देखिए एकदम साफ है। इतनी साफ आपको कहीं नहीं मिल सकती, तो इसे आप जरूर ट्राई करें घर में। थोड़ी मेहनत तो लगती है पर आप साफ और सुथरा अपने घर का बना हुआ पाया खा सकती हैं, खुद से बना के छील के। तो चलिए मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ छील के। देखिए इस तरह से आपको पानी में डिप करते जाना है ताकि इसका जो भी आग पर डालने से थोड़ा काला हो जाता है वो सारा पानी में निकल जाएगा।
इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। मैंने मटन के पाए छीलना आपको बता दिया, मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी। जिस दिन बनाऊंगी मैं मटन पाया, उस दिन मैं आपकी रेसिपी ज़रूर आपको दूंगी। आज मैंने आपको छीलना बताया है, इसी ट्रिक से आप छीलना। देखिए कितनी साफ है, छीला भी देखिए, जरा भी बाल नहीं है इसमें। देखिए मैंने ये मटन के पाए छील दिए हैं, इतने साफ हैं। आप और छीलना और छील करके बताना अगर आपको मेरा ये मटन पाए छीलने का ट्रिक अगर अच्छा लगा हो तो। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।